हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे ढाई अक्षर नेशनल लेटर राइटिंग कैंपेन के बारे में बात कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये एक कॉम्पिटिशन है जो एक थीम पर है, विजन फॉर इंडिया 2047। देखिए, 2047 में इंडिया को आज़ाद हुए 100 ईयर्स हो जाएंगे, तो उसी को ध्यान में रखकर नेशनल लेटर राइटिंग कंपटीशन करवाया जा रहा है। आपको क्या करना है इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझाऊंगा। और ये जो कैंपेन है वो एक जो जुलाई है उससे लेकर 31 अक्टूबर तक रहेगा। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कितने रुपए आपको इसमें मिल सकते हैं अगर आप इसमें विनर होते हैं। तो 25,000 रुपये फर्स्ट प्राइज वाले को है, सेकेंड वाले को 10,000 रुपये है, थर्ड वाले को 5,000 रुपये है। और ये 23 सर्कल्स में है, मतलब जैसे अलग अलग जो स्टेट हैं तो उसके हिसाब से, जैसे दिल्ली में हो गए तो दिल्ली में 3 बच्चे चूज़ किए जाएंगे, इस तरीके से हो गए। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनके बाद उनका जो है ना वो फिर नेशनल लेवल पर होगा, जो बी कैटेगरी का होगा उसमें भी अगर वो फर्स्ट आता है तो उसे 50,000, सेकंड को 25,000 और थर्ड को 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये सर्कल के हिसाब से दे रखे हैं और कैटेगरी के हिसाब से दे रखे हैं। दो दो कैटेगरी हैं, दो दो तरीके के हैं। मतलब कैटेगरी क्या है, एक है 18 साल तक की, इसमें दो कैटेगरी है 18 साल तक में, एक इनलेट लेटर कार्ड कैटेगरी है और एक एनवेलप कैटेगरी है। और एनवेलप है ना, एनवेलप बना के उसके अंदर डाल के लेटर होता है, और एक इनलैंड कार्टर जो लेटर कार्ड होता है उसके ऊपर लिखना होता है। और 18 साल से ऊपर वाला जो है उसमें भी ये सेम है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है इसके अंदर, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, देखो एक बात तो इसमें बोलेगी, अगर आपको कोई भी लाइन या कुछ बात समझ में नहीं आ रही तो आप श्री संजय कुमार जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करके फ़ोन करके पूछ सकते हैं या उन्हें ईमेल भेज सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो आपको पूरी जो है ना हेल्प की जाएगी। वैसे ये सारे का सारा स्कूल के अंदर बोला गया कि स्कूल वाले आपको अवेयर करेंगे, बाकी वीडियो में बनाता हूँ आपको पता, बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब आपको ना एक लेटर लिखना होगा और आपको उसके अंदर मेंशन करना होगा लेटर में कि जो हमारा इंडिया है उसको 100 साल हो रहा है आज़ाद, तो उसका विज़न क्या है, उसकी क्या दृष्टि रहने वाली है और वहाँ तक हम क्या हासिल कर लेंगे, क्या क्या करेंगे। आप बहुत सारे मीडिया में देखेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें इस पर छपी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ छपी हुई है, तो उसकी हेल्प लेकर और नॉलेज गेट कर सकते हो, बेस्ट लेटर लिख सकते हैं। और बेस्ट लेटर लिख के वो आपको भेजना कहाँ है मैं आपको बता रहा हूँ, यह सारा बता रखा है। देखिए, नेशनल लेवल लेटर राइटिंग कंपटीशन है, ये 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक है। इसमें आपको लेटर लिखना है ढाई अक्षर 2022-23, आप ही हेडिंग डाल दीजिए विजन फॉर इंडिया 2047। ठीक है, और उसके बाद आप लेटर जो है जैसे सब्जेक्ट लिखते हैं ना उस तरीके से, आपको लेटर आपको पता है कैसे लिखना है, बेस्ट लेटर लिखेंगे तभी तो जीतेंगे। आपको बोला गया लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, और आपको जो लेटर है ना वो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को एड्रेस करते हुए लिखना है, तो वो अपने पहुँच जाएगा, तो उसके बाद वो कलेक्शन होगा, फिर चेकिंग होगी वगैरह वगैरह। ठीक है, बाकी एक आपको स्कूल वाले बताएंगे, और आपको मैंने नंबर भी बता दिया, इस नंबर पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और यह बता रखा कि जो लेटर है ना वो आप प्लेन शीट पर लिख सकते हैं जो A4 साइज की है, और वर्ड लिमिट जो है ना वो 1,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इनलाइन लेटर कार्ड पर लिख रहे हैं तो आपको 500 से ज़्यादा शब्द नहीं लिखने, और केवल हैंड रिटन हाथ से लिखा हुआ स्वीकार किया जाएगा, टाइपिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। डियर स्टूडेंट, कहीं आप सोचो टाइपिंग कर देता हूँ पैसे भेजते तो नहीं एक्सेप्ट होगा। ठीक है, और जो द एम्बोस एनवलप है या जो एनवलप है, जो एनवलप जिसके अंदर आप डालेंगे ना वो स्टैम्प होना चाहिए, उस पर स्टैम्प लगी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये लिखा द एम्बोस एनवलप, एक तो होता है एम्बोस अपने उसमें होता ही है, एक होता है एनवलप इज स्टैम्प अफिक्स फॉर, और जो
एनवलप आप लोगे ना जिसमें A4 साइज पेपर डालोगे उस पर आप स्टैंप लगवा लोगे, ठीक है। और एंड द इनलाइन लेटर कार्ड पे भी विल बी द परमिटेड स्टेशनरी। और ये जो ILC है, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये भी परमिटेड होगा स्टेशनरी पे। देखिए इस तरीके का होता है इनलाइन लेटर कार्ड, ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है, वो आप पोस्ट ऑफिस से जाके ले सकते हैं और आराम से उसमें जो है 500 शब्द से ज़्यादा आपको नहीं लिखना, ठीक है। मैंने आपको बता देना किस में कितना लिखना है, तो आप उसको फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ये लिखा है ना, अगर आप इनलाइन लेटर कार्ड यूज़ करते हो तो आपको 500 से ज़्यादा शब्द नहीं लिखने उसमें, क्योंकि उसमें स्पेस ही नहीं बचेगा फिर, ये बता रखा है। और मैंने आपको बता दिया कि जो 18 ईयर्स वाले हैं या 18 से ऊपर वाले उनके लिए क्या, देखो इंडियन लेटर कार्ड अलग रखा गया, एनवेलप की कैटेगरी अलग रखा गया। एनवेलप में आपको A4 साइज पेपर लगा के एनवेलप में डालना है, और इंडियन कार्ड जो है आपको मैंने दिखाया दिया अभी कैसा है, उसके पीछे आपको लिखना होता है, आगे लिखना होता है जहाँ जगह बचे, ठीक है। सही से आप लेटर टाइप है तो लेटर में आप शुरू से करेंगे जैसे भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा अमाउंट मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये पूरा टोटल बता रखे कि सरकार कितना खर्च करेगी, टोटल मिला के सरकार का कितना खर्चा आ जाएगा, ठीक है। और यह साफ बात बता दी गई कि 31 अक्टूबर के बाद आपसे कोई भी अगर आप भेज रहे हैं तो आपसे वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, मतलब कहने का ये। और बाकी यहाँ पे वही बात की गई है भी स्कूल में ज़्यादा बच्चों को से जोड़ें, क्योंकि इंडिया के गर्व की बात है, सब बच्चे इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और देश का नाम भी बहुत ऊँचा होता है। और फ़ख्र की बात होती है जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है कि हाँ भी इतना इंडिया के लोगों ने इतनी बड़ी मात्रा में इसमें पार्टिसिपेट किया वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आप देश के लिए करें, आगे बढ़े अपने लिए भी, ठीक है, क्योंकि अगर आप देश के लिए करते तो अपने आप आगे बढ़ जाएंगे आप, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना बहुत है, और होप वीडियो आपके हेल्पफुल होगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। स्कूल के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ उन्हें जरूर देखा करें। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वंस अगेन।